मॉनेस्ट्री टेम्पल जो कि डामडिम पे है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ डामडिम का मॉनेस्ट्री टेम्पल जो कि बुद्ध का टेम्पल है, और अभी हम लोग चलते हैं वहीं पे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बागपुल। डामडिम जाने वाले दो रास्ते हैं, एक गजलडूबा होके भी जा सकते हैं, एक बागपुल। तो हम जा रहे हैं बागपुल के रास्ते से क्योंकि वो रास्ता ख़राब है। तो अभी हम बागपुल पहुँच चुके हैं और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सामने कि यहाँ का व्यू कैसा है। सो बने रहे वीडियो पे। तो ये देखिए बागपुल इस तरीके से दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। एंड यहाँ का पानी तो आप बोल ही नहीं सकते कि कितना डेंजरस है, ख़तरनाक भी है ये तीस्ता नदी। सो यहाँ पे आओगे तो थोड़ा संभल के आइएगा ज़रूर, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं टेंपल की ओर। तो फाइनली हम टेंपल पहुँच चुके हैं एंड अभी गेट खुला नहीं है क्योंकि इसका टाइमिंग अभी लंच टाइम चल रहा है तो खुला नहीं है, लेकिन बाहर से अभी दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 8 बजे से 4 बजे, बट 11:30 बजे लंच टाइम होता है यहाँ पे। 11:30 से 1:15 तक लंच टाइम होता है, तो उस वक्त बंद होता है। तो अभी हम इतना अच्छा दिख रहे हैं तो अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा शायद गाइस, है ना। तो यहाँ पे गेट खुल चुका है और यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है घुसने से पहले। सो यहाँ अभी चलते अंदर। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ये एक मूर्ति है यहाँ पे जो कि बहुत प्यारा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर में। ये देखिए बाहर से इस तरीके से दिखता है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं गाइस, आप लोग भी आए, बट यहाँ पे थोड़ा साइलेंस मेंटेन कीजिएगा, यहाँ पे हल्ला नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का क्लास चलता है। तो इसीलिए ये बहुत लोगों का क्लास स्कूल है एंड इधर हॉस्टल भी है, इस साइड पे हॉस्टल है, उस साइड पे स्कूल एंड बीच में टेम्पल है गाइस। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा है, यहाँ का पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। मतलब यहाँ पे आने से ना मन शांत हो जाता है गाइस। तो अगर आप लोग आना चाहोगे तो इधर भी आ जाइएगा, बहुत ही अच्छा जगह है एंड यहाँ पे आने से मन शांत हो जाता है। और इतना अच्छा है ना यहाँ का मंदिर कि क्या बताओ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शांति फील हो रहा है। सो अभी आप लोगों को मैं अंदर लेके जाती हूँ। अंदर देखिए कितना बड़ा बड़ा बौद्ध का मूर्ति वगैरह है एंड यहाँ का डिज़ाइन देखिए अगर इतना प्यारा है, इतना मतलब सोच समझ के इन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। मन शांत हो गया और वैसे भी यहाँ पे आने से मन शांत हो जाता है। सो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ का पेंटिंग वगैरह कितना सुंदर है ना, कितना अच्छे से इन्होंने यहाँ का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत अच्छे से डिजाइन किया। और अभी हम लोग निकल गए बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का फूल, यहाँ का गार्डन ना गाइस बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देख सकते हैं फूल और यहाँ पे भी छोटा सा। सो चलते चलते रास्ते में मुझे नारियल पानी दिख गया है, मतलब डाब, तो मैंने इसे ले लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मैंने सोचा डाब पी लूँ और ये डाब दिया, बट ये उतना मीठा है नहीं, बट कोई नहीं, सेहत के लिए अच्छी बात है इसलिए मैं इसे पी रही हूँ। एंड नारियल पानी पीने से सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है, इसीलिए इसको पीना चाहिए। और ये गर्मी भी इसको पीने से तो मैंने यहाँ पी लिया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड जो लोग चैनल पर नए हैं लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।